गुड़ी पड़वा की रात विदर्भ के कुछ जिलों में विभिन्न ग्रामीणों को आसमान से उल्कापिंड गिरते देखा गया, जितना आश्चर्य और रोचकता के साथ संभ्रम नागरिकों में दिखा तब समुद्रपुर तालुका के बाघेड़ा और धामना गांव में अवकाश से गिरे अवशेष देखे गए। अवकाश से गिरे सदर यंत्र के अवशेष देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ देखी गई। सदर यंत्र के अवशेष को समुद्रपुर और गिरड पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। रात के वक्त आसमान में उल्कापिंड सदृश आग के गोले को देखा गया, उसके बाद उसके जमीन पर पड़े हुए अवशेष ये क्या प्रकार, इसका संभ्रम नागरिकों में निर्मम हुआ है। जब नितिन सोरटे सुबह अपने खेत की ओर जा रहे थे तो उन्हें लगभग 3 से 4 किलो वजन के काले धागे में लिपटे एक सिलेंडर के आकार की वस्तु दिखी। उन्होंने तुरंत समुद्रपुर पुलिस स्टेशन को सूचना दी। पुलिस उपनिरीक्षक रामखोत ने अपने कर्मचारियों के साथ घटनास्थल पर जाते हुए अवशेष को अपने कब्जे में लिया। धामन गांव के किसान भाऊराव ननावरे के गांव में नजदीकी खेत शिवार में अवशेष दिखाई दिए। इस समय गांव के लोगों ने अवशेष को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। इस घटना की जानकारी पत्रकार गजानन गारघाटी को मिलते ही गिरट के थानेदार सुनील दहीभाते को जानकारी दी। थानेदार सुनील दहीभाते ने अपने पुलिस कर्मचारियों के साथ घटनास्थल जाके संबंधित अवशेष अपने कब्जे में लिए, लेकिन अचानक घटित हुए इस प्रकार से तालुका में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। किसी भी नागरिकों ने इस घटना का गलत संभ्रम ना फैलाए, इसकी अपील गिरट पुलिस स्टेशन के पुलिस थानेदार सुनील दहीभाते ने नागरिकों से की है। पुलिस स्टेशन समुद्रपुर हद्दी मध्ये राहणारे ज्यांचा शेत वाघेडा शेत शिवारामध्ये ज्यांची जमीन आहे त्यांनी त्यांचं नाव नितिन सुरटे यांनी आम्हाला माहिती दिली की रात्री अंदाजे 8 ते 8:30 दरम्यान अवकाशातून कुठले तरी साहित्य आमच्या शेतात पडले अशी त्यांनी माहिती दिली आणि आम्ही पोलीस स्टाफसह सदर घटनास्थळी गेलो। घटनास्थळी त्या जी पडलेली वस्तू आहे त्याची माहिती घेतली, त्याची पाहणी केली असता सिलेंडरसारख्या आकृती असणारी सदरची काळ्या दागिने बांधलेली वस्तू ही त्या शेतात पडून होती। त्याबाबत आम्ही आमच्या वरिष्ठांना माहिती दिली, महसूल प्रशासनाला माहिती दिली आणि ती वस्तू ताब्यात घेऊन आम्ही पोलीस स्टेशन समुद्रपूर येथे परत आलो। त्या वस्तूची खातरजमा करण्यासाठी पुढील योग्य ती कारवाई करण्यात येते। हिंगणघाट से BCN न्यूज के लिए रवि यनोरकर की रिपोर्ट।